शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं, परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नाद अनुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भाव को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है।